केयर प्रोडक्ट हो जाने के बाद अब बारी आती है मेकअप प्रोडक्ट की। इसमें मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट बताया है वो बहुत ही सिंपल है और प्राइस में भी सस्ते हैं, ताकि अगर आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप में मैंने सबसे पहले लगाया है मॉइस्चराइजर। तो मैंने यहाँ पे पोन्स का मॉइस्चराइजर लगाया है, ताकि आपका जो फेस है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और आपका जो मेकअप है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपका जो फेस है वो ड्राई ना हो। उसके बाद बारी आती है प्राइमर की। तो मैंने यहाँ पे मेरा खुद का बनाया हुआ DIY प्राइमर लगाया है, और ये भी उतना ही अच्छा काम करता है जो कि बाकी के प्राइमर काम करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसे आप घर पे बना सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो परचेज करके भी ला सकते हो। प्राइमर लगाने के बाद अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप चाहो तीनों में से कोई एक परचेज कर लेना, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो आप कभी कभी अपने फेस में अप्लाई करोगे, ओकेजन में या कहीं पर जा रहे हो तभी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपको रोज रोज फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो है ये कलर एसेंस का पैन स्टिक, आप इस तरह के पैन स्टिक भी परचेज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 185 रुपीज में आ जाता है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, और मेरा शेड है नेचुरल, प्राइस है वो 65 रुपीज है। इसमें 6 शेड आते हैं, अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो आपको अपने स्किन टोन के अनुसार कोई ना कोई शेड जरूर मिल जाएगा। थोड़ा आप महंगा में जाना चाहते हो तो ये आप लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन परचेज कर सकते हो, इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज। आप कभी कभी अपने फेस में फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हो तो एक अच्छा सा फाउंडेशन परचेज कीजिए, तो आप इसे परचेज कर सकते हो और ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। विद फाउंडेशन अप्लाई करते हो अपने फेस में तो उसे सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए मेरे पास है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, और मेरा जो शेड है वो है पर्ल, आपको 145 रुपीज में मिल जाता है, बट ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आपको मिरर भी मिलता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका कोई अपना मनपसंद कॉम्पैक्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिगिनर हो तो आप इस तरह के स्पंज भी परचेज कर सकते हो। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप में सबसे पहले हम बात करेंगे आई शेडो की। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला तो है ये SFR का आई शेडो, आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, ये 100 रुपीज में आपको लोकल ब्यूटी स्टोर में मिल जाएगा, और इसमें आपको टोटल 8 कलर मिलते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छे और प्यारे कलर है, तो अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने आईब्रो को फिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप एज अ हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो, और आई शेडो तो ये है ही, तो इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए, ये ADS Rockstar आई शेडो पैलेट परचेज कर सकते हो, आपको 250 तक मिल जाएंगे, और अगर ये आपने परचेज कर लिया तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि आपको इसमें मिरर मिल जाते हैं और आई शेडो मिल जाता है, ब्लश, हाइलाइटर और 2 लिपस्टिक भी मिल जाते हैं, तो ये एक आपके लिए किट की तरह होगा, तो अगर आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, ये आपको अलग से ब्लश और हाइलाइटर परचेज करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद बारी आती है काजल की। तो मैं दो तरह की काजल इस्तेमाल करती हूँ, सबसे पहले तो ये हिमालय का काजल है और ये 45 रुपीज में मिलता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जो कलर है वो एकदम ब्लैक है, लेकिन ये बहुत देर तक आपकी आंखों में नहीं रहता, बट फिर भी ठीक ठाक ही है, अगर आप घर पे रहते हो, अगर आपको काजल पसंद है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग काजल चाहिए कहीं पे आप जा रहे हो, ब्लू हेवन का काजल इस्तेमाल कर सकते हो, ये 125 रुपीज में मार्केट में मिलता है, और इसमें 3 कलर आते हैं, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, तो आप इन तीनों में से कोई भी परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा कलर है, तो मैं ये दोनों मिक्स करके अपने आंखों में लगाती हूँ और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है मुझे। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है जेल आईलाइनर, आपके लिए भी बहुत ही बेस्ट रहेगा, तो ये म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर है, ब्लैक कलर का है, इसमें ब्राउन कलर भी आते हैं, ये आपको अराउंड 250 में मिल जाता है दोनों, इसके साथ आपको ब्रश भी मिलते हैं, तो आप ये परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आप लिक्विड आईलाइनर या और भी स्केच आईलाइनर है वो परचेज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, मुझे ये आईलाइनर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक आपका जो मनपसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, ADS का क्रियोन लिपस्टिक है, और लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन इसमें कलर बहुत अच्छे आते हैं, आपको अपने साथ इसे रखना पड़ेगा, जैसे कि आप लिप बाम इस्तेमाल करते हो उसी तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप ये परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी आपका मनपसंद लिपस्टिक हो आप वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है मेकअप सेटिंग स्प्रे की। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए मेकअप सेटिंग स्प्रे पे, आप खुद का अपना DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाया है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहो इसे कैसे बनाना है तो आप उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपने मेकअप किया है तो जब भी रात हो, जब आप सोने जाए, तो सोने से पहले आपको मेकअप रिमूव करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, के साथ आपको कभी भी सोना नहीं है, हमेशा मेकअप रिमूव करना है,
तो जरूरी नहीं है कि आप मेकअप रिमूवर रखें, खुद से भी अपना मेकअप रिमूवर बना सकते हैं। ये मेरा DIY मेकअप रिमूवर वाटर है, इसे मैंने खुद से बनाया। इसमें कोकोनट ऑयल है, वाटर है, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा है, तो आप ये सब मिक्स करके इसे बना सकते हो, तो आप इसे अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। तो आई होप ये मेकअप के प्रोडक्ट आपके लिए इनफ रहे। अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपका जो अपना मनपसंद प्रोडक्ट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट आपको बताया है आपको वही परचेज करना है या वही इस्तेमाल करना है, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीनेज लड़कियों के लिए इतना प्रोडक्ट काफी है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।